ना, हाँ सर। बस आपको क्या काम है, एक पॉइंट ढूंढना और एक नॉर्मल, राइट? पॉइंट और नॉर्मल का खेल है बस। आपका आपको आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू जिसे पास करो पॉइंट ए में, इट मींस दिया हुआ है थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3 विच इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। आपको बताना है बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको पॉइंट दे दिया कि जिससे पास कर रहा है और बोला गया है कि द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है ओरिजिन से बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे डाला गया है, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बेसिकली कोऑर्डिनेट सी है। तो हमेशा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो प्लेन से पास करता है। इसका करके बताइए, सॉल्व कीजिए। आदिति, नॉर्मल फैक्टर कैसे आप निकालेंगे इसमें? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में नॉर्मल फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए आपका ये गिवन है ना कि 0, 0, ओरिजिन से बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे डाला गया ये, राइट? और ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट आपको पता है कि इससे पास कर रहा है प्लेन। तो देखिए, तो जो ए जो ओ ये आपको दिख रहा है, लेट्स सपोज ये ओ है और पी है, तो ओपी बेसिकली परपेंडिकुलर है प्लेन का, यानी कि नॉर्मल का काम कर रहा है। ओपी वेक्टर जो है वो बेसिकली नॉर्मल का काम कर रहा है, राइट? सो एन वेक्टर आपका आ गया यहाँ से ओपी वेक्टर, राइट? तो ओपी वेक्टर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 2i कैफ -j कैफ +3k कैफ। तो आपका नॉर्मल आ गया, पॉइंट आपको पता है किस से पास कर रहा है ये, दैट इज 2i कैफ -j कैफ +3k कैफ, राइट? तो बताइए, आप ये लिखते हैं ना, r.n इज इक्वल टू a.n। तो a.n निकाल लीजिए, a.n निकालेंगे तो कितना आएगा? r आप ऐसे रहने दीजिए, n है आपका 2i कैफ -j कैफ +3k कैफ, और ए डॉट एन दोनों को डॉट करेंगे तो कितना आएगा? 4 + 5 और 9, 14, राइट?
सो ए डॉट एन का वैल 4, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ये बेसिकली किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आर वेक्टर को आप एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे डॉट लेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 14, ये आ जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आया आदिति, गॉट इट? हाँ सर, और एक ध्यान रखिएगा, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है कहीं से भी डाला गया प्लेन पे तो वो हमेशा प्लेन से पास करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, जो कि उसमें बोला गया था कि पॉइंट दे दिया था, इमेज दे दिया था, और एक प्लेन का इक्वेशन, उसमें कुछ अननोन पूछ लिया था। तो आपको पॉइंट और इमेज का मिड पॉइंट जो होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, राइट? जैसे ए प्लेन है तो ए पॉइंट को यह पी पॉइंट है और इसका इमेज पी डैश है, तो जो यहाँ ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है मिड पॉइंट, राइट, एम इज द मिड पॉइंट, तो जो ए प्लेन होगा वो मिड पॉइंट से पास करेगा। तो पी और पी डैश अगर पता रहेगा तो मिड पॉइंट निकल जाएगा, तो प्लेन के इक्वेशन में डाल के हम लैम्डा, उस तरह से सवाल एक था जे एडवांस में, काफी इजी। तो एक क्लियर है ना। एक क्वेश्चन नंबर टू ट्राई कीजिए। आपसे पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, दो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट में, एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि देखिए, एक प्लेन है उसमें आपका दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से एक वेक्टर बनाइएगा, राइट? दो पॉइंट से एक वेक्टर बनाएंगे और एक वेक्टर गिवेन है कि पैरेलल जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो दोनों का क्रॉस लेने से नॉर्मल आ जाएगा, एक पॉइंट से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर टू करने का तरीका क्या होगा हमारा, पॉइंट आपका है, सपोज ये ए पॉइंट है, ए है आपका 2, -1, सॉरी 2, 3, -4, 2, 3, -4, और बी कहीं पॉइंट है, यहाँ पे बी 1, -1, 3 यही दिया हुआ है ना, तो आप एक वेक्टर बना लिए कि ए बी वेक्टर, और एक गिवेन है कि पैरेलल टू, जो प्लेन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब 0, 0, राइट, उसके आई कैफ है बेसिकली। तो जो नॉर्मल होगा वो दोनों एक्स एक्सिस और ए, दो ए बी वेक्टर दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, तो नॉर्मल जो होगा वो दोनों का क्रॉस होगा, राइट? तो नॉर्मल जो होगा आपका आई क्रॉस ए बी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर, राइट? इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस का आई कैफ, राइट? तो आई एन वेक्टर आपको मिल गया, और एक पॉइंट आपको कोई भी पॉइंट से ए या बी से लिख दीजिए, तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो बेसिकली आई क्रॉस ए बी, तो आई क्रॉस ए बी निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर फाइंड कर लीजिए, बी माइनस ए, ए बी लिखिए बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा, बी में से ए घटाना है आपको, तो आपका आ जाएगा माइनस आई कैफ और -1, -4j कैफ, और 3, +4, 7k कैफ, यह आ जाएगा ए बी वेक्टर। तो ले लीजिए क्रॉस आई कैफ जे कैफ के कैफ, और आई का कॉफिशियंट 1, 0, 0, और इसका है -1, -4, 7, डिटर्मिनेंट आई कैफ 0, -0, 0, पूरा आपका 0 आ गया, माइनस का जे कैफ 7, 0, प्लस के कैफ सो -4, सो यू गॉट -7j कैफ -4k कैफ, आपका नॉर्मल वेक्टर मिल गया। अब जब आपको नॉर्मल वेक्टर पता है, और ए पॉइंट ले लीजिए कि 2i कैफ +3j कैफ -4k कैफ, आप कोई भी ए को भी ले सकते हैं, बी पॉइंट को भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप लिख दीजिए आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, ए डॉट एन कितना आएगा समित आदिति, ए डॉट एन करके बताइए।
दोनों का डॉट लीजिए, ए डॉट एन की है, तो आपका आई कैप तो नहीं है यहाँ पे, 0 i कैप है, तो -7 × 3, सो -21, ए डॉट एन का वैल्यू आप निकालिए, ए डॉट एन इज इक्वल टू आपका आ गया -21 और +16, दैट इज माइनस का 5। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज आपका है -7 j कैप -4 k कैप इक्वल टू -5, और आर को आप एक्स आप सीधा लिख दीजिए -7x माइनस का 4z, सॉरी माइनस का 7। आर को आप जब xyz से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा ना -7y -4z इज इक्वल टू माइनस का 5, मतलब 7y + 4z इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। साइक क्लियर है? फेयर सर, ये बेसिकली किस फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म में, और अगर ये इस तरह से आप लिखेंगे तो ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म में है। आदिति एनी डाउट? आदिति क्लियर है? हाँ सर। लाइन लाइन का एक गिवन है, x-3/2 इज इक्वल टू y+2/-1 इक्वल टू z+4/3 लाइज ऑन द प्लेन, इन द प्लेन lx+my -z = 9, देन l² + m² इज इक्वल टू, आपसे पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 26, डी ऑप्शन है 18। बेसिकली ये जो लाइन है वो इन द प्लेन है। अच्छा यहाँ पे देख के बताइए तो कि नॉर्मल कितना दिख रहा है, अगर प्लेन, ये जो प्लेन का इक्वेशन है इसमें नॉर्मल वेक्टर कितना दिख रहा है आपको, नॉर्मल वेक्टर क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड का ही कॉफिशियंट होता है ना, इसको कीजिए करके बताइए। प्लेन है आपका, ए लाइन इस प्लेन में है, तो ए लाइन ले लीजिए, ए लाइन है, पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट ए जो है वो 3, -2, -4 है, और इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा 2i-j+3 k। चलिए, और ये नॉर्मल वेक्टर का आपको पता है कि l i-m j-माइनस k है, राइट? चलिए, तो नॉर्मल जो होगा वो इसके नॉर्मल जो है इसका परपेंडिकुलर है जो ये वेक्टर है इसका, तो आप दो चीजें यूज करके एल ओ एम आपको फाइंड करना, तो दो इक्वेशन आपको बनाना होगा तभी एल ओ एम का वैल्यू आ, इसको सोचिए और फाइंड कीजिए। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, डॉट जीरो कीजिए एक बार, और एक दूसरा आप सोचिए कैसे करेंगे। आदित्य ट्राई कीजिए। हाँ सर। शाय ट्राई कीजिए करने का।
जो भी वेक्टर प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, राइट। तो आपका जो टू आई कैफ लाइन का जो डायरेक्शन दिख रहा है रेशियो, वो बेसिकली नॉर्मल का परपेंडिकुलर है, तो डॉट जीरो कीजिए, एक इक्वेशन वहां से मिल जाएगा आपको। और यहाँ आपको दिख रहा होगा जो कांस्टेंट, क्या बताया था, किसके इक्वल होता है, ए डॉट एन के इक्वल होता है, ए डॉट एन के इक्वल है 9। एक एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, और एक इक्वेशन की नॉर्मल का डॉट रेशियो के साथ आप इक्वल टू जीरो करेंगे। दो इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट आपको पता ही है, ए फैक्टर क्या है, बेसिकली ए फैक्टर आपका है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये वाला पॉइंट। कितना है आदित्य, यू गॉट आंसर साई, आपको ये दिख रहा है ना सो कैन नॉर्मल। एक्सप्लेन इट? ओके, देखिए बोला गया कि इफ द लाइन, जो लाइन है लाइज इन द प्लेन, प्लेन में लाइक लाइन जो का जो इक्वेशन है लाइन, वो बेसिकली प्लेन में लाइक कर रहा है। और यहां से आपको दिख रहा है कि पॉइंट क्या है लाइन पे, 3 माइनस 2 माइनस 4। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन से कंपेयर कीजिए, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, तो आपको बेसिकली लाइन पे जो पॉइंट है ए वाला कोऑर्डिनेट होता है बेसिकली। यहाँ से आप देखिए, तो एक्स माइनस एक्स वन से कंपेयर करेंगे तो दिखेगा कि आपको एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और माइनस 4 है, पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और नीचे आपका डायरेक्शन रेशियो होता है, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, दिख गया डायरेक्शन रेशियो। अब चूंकि नॉर्मल कोई भी वेक्टर प्लेन में है तो नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर होता है, तो आप करेंगे कि ए जो डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है जो है, इसको लेट सपोज कि बी वेक्टर है, लेट सपोज कि बी वेक्टर है, तो आपका क्या होगा, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है नॉर्मल, डॉट 0 होगा, तो कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 2l प्लस माइनस m और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 आएगा ना। देखिए इसको डॉट कीजिए, एल बी डॉट एन मतलब 2i कैफ माइनस j कैफ प्लस 3k कैफ का डॉट आपको करना है l i कैफ प्लस m j कैफ माइनस k कैफ से इज इक्वल टू 0, तो 2l माइनस का m माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन एक मिला कि 2l माइनस m इज इक्वल टू 3, एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। आपको एल एम फाइंड करना, तो एक और चाहिए, कभी भी आप जब आर डॉट एन करते हैं, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, तो ए किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है, ए डॉट एन हमेशा कांस्टेंट आता है। तो ए देखिए बेसिकली बताया था ना कि ए डॉट एन से कंपेयर करना है, तो ए डॉट एन बेसिकली कितना के इक्वल है, 9 के 9 इज इक्वल टू है। और ए क्या होता है, पॉइंट, तो पॉइंट क्या है, 3, देखिए ए पॉइंट है ना ए वाला, तो 3i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 4k कैफ डॉट लेंगे आप एन फैक्टर, एन क्या है, एल आई कैफ
प्लस एम जे कैफ माइनस के कैफ इज इक्वल टू 9। तो बेसिकली आ जाएगा 3L माइनस का 2M माइनस का 4 इज इक्वल टू 9। सो गेट कि 2L माइनस का 2M सॉरी 3L माइनस का 2M इज इक्वल टू 13। दो इक्वेशन दो अननोन अब सॉल्व हो जाएगा। ये दो इक्वेशन दो अननोन टू अननोन। सो देखिए पहला इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4L माइनस का 2M इज इक्वल टू 6, 3L माइनस का 2M इज इक्वल टू 13 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सो एल कैंसिल, एल इज इक्वल टू माइनस का 7। मेक अ मिस्टेक क्या, 12 माइनस एम, 12 माइनस एम इज इक्वल टू 3 एंड वन थिंग इज 3L माइनस 2M इज इक्वल टू 5 हो गया। वन सेकेंड माइनस का के कैफ राइट एंड 3L माइनस का 2M ओह सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस का 4 है ना, क्योंकि बेसिकली यहाँ माइनस का 4 है ना तो प्लस लिख दिया था। सो यहाँ पे -4 सो गेट +4 सो नाउ गेट 5 सो हियर इज 5 बेसिकली सो वी गेट 1। एल इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया। नाउ कहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 3 इंटू 1 माइनस 2M इज इक्वल टू 5 सो एम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 सॉरी एम इज इक्वल टू माइनस 1। सो आपसे पूछा गया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दैट इज 2, आपका 2 आंसर हो गया इसका। बी ऑप्शन इसका सही है। बस कॉन्सेप्ट इतना था कि कोई भी लाइन है तो लाइन से आप उसका डायरेक्शन नीचे वाला ये डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा तो डॉट जीरो करना था और कॉन्स्टेंट टर्म को ए डॉट एन से कंपेयर करना था, ए डॉट एन इज इक्वल टू 9, यही बस नहीं था। आपका दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो गया। क्लियर है आदिति? आदिति एनी डाउट? नो सर, गॉट इट। ओके वन लास्ट क्वेश्चन देन डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ऑफ प्लेन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जेई सॉल्व कीजिएगा पीवाई के क्वेश्चन और सारा हो सर आप एक जाएगा। बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, लास्ट फाइनल। सर फाइनल आंसर दिखा दीजिए बस एक बार। टू हाँ सर, गॉट इट। शाय एनी डाउट? शाय शाय एनी डाउट? शाय अक्षित एनी डाउट? नो डाउट सर। ओके आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू आपका पॉइंट दिया हुआ है द पॉइंट 1,1,1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स 2x टू एक्स प्लस वाई माइनस का 2z इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 6y माइनस का 2z इज इक्वल टू 7 इज आपका ए ऑप्शन है 14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू 31। बी ऑप्शन है 14x प्लस 2y
माइनस का 15z इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन है 14x माइनस 2y माइनस 15z इज इक्वल टू 27, माइनस 14x प्लस 2y। आपका चार ऑप्शन गिवेन है, ए एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, काफी इजी है। एक लाइन में आप 20 से 30 सेकंड में कर सकते हैं इसको। कीजिए इसको। अगर कोई भी दो प्लेन, कोई भी प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो कि दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप बेसिकली दोनों नॉर्मल का क्रॉस जो होगा वो थर्ड का नॉर्मल वेक्टर होगा। थर्ड का नॉर्मल जो होगा वो दोनों का नॉर्मल का क्रॉस होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट पता है, नॉर्मल निकाल लिए। आदिति आप कर रहे हैं? आदिति आर यू डूइंग शाय? यस सर, आई एम नॉट। ओके साई, एन वन वेक्टर कितना है आपको? एन वन नॉर्मल वन कितना दिख रहा है? प्लेन वन का जो एक्स वाई का कॉफिशियंट है 2i कैप प्लस जे, अगर आप कोऑर्डिनेट में लिख लीजिए तो ऐसे लिख लीजिए, जे आई जे नहीं लगाना चाहते, मतलब 2, 1, -2। एन टू बेसिकली क्या है आपका, है एन टू 3 -6 -2। जो भी थर्ड का जो नॉर्मल होगा एन थ्री, वो बेसिकली एन वन क्रॉस एन टू होगा। बस निकाल लीजिए एन वन क्रॉस एन टू। इसको करके बताइए। अब आपको पासिंग थ्रू पॉइंट ए बेसिकली दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है 1, 1, 1 मतलब 1 i कैप, जे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है ए। आदिति वर्ड आंसर, सर जस्ट अ मिनट। ओके साई आर डूइंग
सर इज द आंसर 14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू 31। यस करेक्ट, ऑप्शन एज डी, ए, यस ऑप्शन यस वेरी गुड, ऑप्शन इज करेक्ट। एडवांस 2017 का क्वेश्चन। साई आपसे हो गया। जिस तरह से आप 2D में पढ़े थे ना, 2D में डिफरेंट टाइप से लाइन इक्वेशन ये है, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट, उसी तरह यहाँ पे भी होता सारा चीज। ये है आप देख रहे होंगे अभी तक जितना भी बताया, प्लेन का उसी तरह इक्वेशन होता है। तो आपका सिर्फ 4 पॉइंट तक तो मैंने डिस्कस कर दिया था, पैरेलल होगा तो एंड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में जो जो था आपका, प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस, ये सब तो डिस्कस कर दिया था। नाउ अगर आपका 5 पॉइंट है, नॉर्मल फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना जानते थे ना, 2D में स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, उसी है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आप प्लेन का इक्वेशन क्या बताएंगे? देखिए बेसिकली इफ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज एन कैफ, जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल है वो एन है और उसका यूनिट वेक्टर एन कैफ, यूनिट वेक्टर नॉर्मल का एन कैफ है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज डी, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट एन इज इक्वल टू डी हो जाएगा आपका, सॉरी आर डॉट एन कैफ, आर डॉट एन कैफ इज इक्वल टू डी आप लिख देंगे। आपका क्या नॉर्मल होगा? नॉर्मल तो आपका गिवन होगा, अगर नहीं तो फिर आप नॉर्मल फाइंड करना पड़े तो नॉर्मल आ गया। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि ओरिजिन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर तो आपका जनरल पॉइंट होता है, अब इज इक्वल आर डॉट एन कैफ मतलब नॉर्मल का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी जो होगा वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। तो इसको प्रूव करके दिखा दें ये कैसे आया, आर डॉट एन कैफ इज इक्वल टू डी। ये तो याद करना आपको पड़ेगा ही, याद ऐसे रखना है, बट आप प्रूफ भी देख ले ताकि आपको याद रह जाए, अगर कोई भूल गया, फिर प्रूफ तो आपको पता होना चाहिए कैसे आता है एक्चुअली आर डॉट एन कैफ। देखिए आपका क्या बोला गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो लेट सपोज कि आपका ये ओरिजिन ओ है ओरिजिन, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका ओपी प्लेन पे, ठीक है। अब हम कोई भी एक जनरल पॉइंट बेसिकली आर ले लेते हैं प्लेन पे, आर को जनरल पॉइंट प्लेन में जूम कर लेते हैं कि आर वेक्टर है। अब हम ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आपका दिख रहा होगा, तो लेट सपोज कि इनके बीच का एंगल थीटा है, और नॉर्मल आपका नॉर्मल दूसरे से इस ए होगा और ए भी नॉर्मल, राइट। तो लेट सपोज कि ये नॉर्मल आपका है एन फैक्टर, अप और डाउन दोनों डायरेक्शन है, आप ऊपर से भी प्रूव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ए अगर थीटा होगा तो ए भी आपका थीटा होगा, राइट। अब देखिए इस ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है ओ पी आर, ओ पी आर में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे तो ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ आर वैक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, राइट।
लिखेंगे ना कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर ओपी वेक्टर अपॉन ओपी वेक्टर अपॉन ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बेसिकली मैग्नीट्यूड लेंगे, ये भी मैग्नीट्यूड ही होगा ना, तो बेसिकली आपका ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो ओ आर वेक्टर इंटू कॉस थीटा, राइट, ए आ गया आपका। तो ओपी जो बेसिकली क्या है, डी के इक्वल है, राइट, वो डी इज इक्वल टू आपका ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, डॉट करके, राइट, तो कॉस थीटा बेसिकली आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बीच का एंगल, ओ आर एंड ओपी का, राइट, और ओपी जो बेसिकली है उसका डायरेक्शन भी नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वो ओपी वेक्टर का, तो आप लिख सकते हैं ना कि ओ आर डॉट एन वेक्टर अपॉन ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा को ओ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपको दिख रहा हो कि ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो रहा है, और एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, एन कैफ, किसी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से वो यूनिट वेक्टर बन जाता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एन कैफ से रिप्लेस कर देंगे, राइट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर माइनस ओरिजिन, सो आर आप जनरल पॉइंट लिए हैं आर, सो ओ आर वेक्टर इज बेसिकली ओ आर वेक्टर क्या है आपका, ओ आर वेक्टर आर वेक्टर माइनस ओ ओरिजिन ओ वेक्टर, सो आर वेक्टर इज आर है माइनस ओरिजिन जीरो, सो आर वेक्टर, सो आर वेक्टर डॉट एन कैफ, ये आपका यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा अगर आपका यूनिट वेक्टर पता है नॉर्मल का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बस आपको याद रखना कि आर डॉट एन, आप वहां पे क्या करते थे, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, जनरल इक्वेशन होता ए आप यूज कर रहे हैं अभी तक प्लेन का, बस आर डॉट एन, ए डॉट एन भी कॉन्स्टेंट आता था वहां, इस उसके जगह पे क्या रिप्लेस हुआ है, डी, क्लियर है, यहाँ पे आप डी रिप्लेस कर दिए, बेसिकली ए डॉट एन भी एक कॉन्स्टेंट ही आता है, डिस्टेंस भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा, राइट, तो यही बेस काफी इजी याद करना, आर डॉट एन इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे क्या आ गया है बेसिकली, चेंजेस क्या है, आर डॉट एन नहीं हो के यहाँ पे एन कैप है, उसका यूनिट फैक्टर इज इक्वल टू डी, यहाँ पे आता था आपका आर डॉट एन आता था बेसिकली, एन फैक्टर होता था इज इक्वल टू ए डॉट एन फैक्टर, क्लियर है आदिति, इस पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, इस पे कोई डाउट है, एनी डाउट, प्रूफ वगैरह नहीं समझ में आया कुछ, तो एनी डाउट आदिति शाई, एनी डाउट आदिति, एनी डाउट, नो सर। ओके क्वेश्चन कीजिए, आपको बोला गया है फाइंड द फैक्टर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब डी दिया हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज, आपको नॉर्मल टू द वेक्टर टू आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस टू के कैफ, चलिए इसको करके बताए,
इसका तो एक लाइन में आंसर लिख देंगे ना अदिति, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, डी आपको कितना गिवेन है 8 यूनिट्स, राइट, और एन आपका गिवेन है एन इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो एन कैप क्या आ जाएगा, एन कैप बेसिकली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, एन कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज एन कैप इज बेसिकली 2 बाई 3 i कैप प्लस 1 बाई 3 j कैप प्लस 2 बाई 3 k कैप, 3, तो लिख दीजिए r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, सो r डॉट 2 i कैप ऐसे प्लस j कैप प्लस k कैप बाई 3 इसे रहने दीजिए इक्वल टू 8, यहाँ से आ जाएगा r डॉट 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 24, ये आ जाएगा आपका बेसिकली वेक्टर फॉर्म में। और अगर आप एक्स वाई में तो आई के जगह आई जे के जगह पर एक्स वाई लगा देंगे तो आप कार्टेशियन फॉर्म में 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 24, ये बेसिकली आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा। अदिति एनी डाउट, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें आई थिंक। चलिए, आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, 6 आपका है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता था लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, लाइन का इक्वेशन बताइए इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे ए एक लाइन होता था आपका ए लाइन, ए 0, b और 1, 0 पे जैसे होता था, इसका लाइन का इक्वेशन आप क्या बोलते थे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, राइट, तो इसी तरह इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, सिमिलर होगा, बस एक जेड इंक्लूड हो जाएगा, जेड बाई सी आ जाएगा। सो इफ x1 y1 x y and z इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लेन प्लेन इज ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, सिमिलर जैसे आप स्ट्रेट लाइन का लिखते थे, इंटरसेप्ट ए कोमा बी होता था तो आप एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी लिखते थे, यहाँ पे प्लेन का में एक जेड एक्स्ट्रा आ जाएगा तो जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, कैसे आप लाइन पे भी आप परपेंडिकुलर निकालते थे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, सिमिलर, अब सारा चीजें सिमिलर होगा जैसे 2D में आपने पढ़ा होगा, बस एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट जेड आ जाएगा बस। देखिए आपका लाइन होता था ax plus by plus c is equal to 0, आप कहीं से x1 comma y1, लेट सपोज कि x1 comma y1 से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते थे, x1 comma y1 से, तो आप क्या लिखते थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ क्या लिखते थे अदिति, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे पी है ए है ओ, तो ओपी क्या होता था बेसिकली 2D में, अब बस पॉइंट को पुट करते थे, राइट, ए टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स y1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप
परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इज इक्वल टू मॉडुलस, ये पी आता था आपका ओपी, राइट, यही आता था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन में, याद है आपको आदिति, स्ट्रेट लाइन में, बस लाइन के इक्वेशन में आप पुट करते थे, तो सेम यही सेम फॉर्मूला होगा आपका प्लेन में भी, बस एक जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा होगा। सो ये प्लेन है आपका, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ए पी पॉइंट कोई से आपको निकालना है, x1, y1, z1। लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी डी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको पी डी क्या लिखेगा, और आपका प्लेन का इक्वेशन है ax+by+cz+d=0, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म ही होता है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन का, इसका बेसिकली है इक्वेशन ax+by+cz+d=0। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी डी लिखेंगे मॉड, क्योंकि डिस्टेंस को पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगा दे रहे हैं, a(x1+b)y(1)c(z1)d/कॉफिशियंट का स्क्वायर का रूट, सो दैट इज a²+b²+c²। क्लियर आ देती, जैसे लेट सपोज कि आपका एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज x+2y+3z+5=0, और पॉइंट जहां से निकालना है, पॉइंट गिवन है आपका पॉइंट पी 1, -2, 3, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप क्या लिख दीजिएगा डायरेक्ट, पी डी इज इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए, 1+2 × -2+3 × 3+5/√1² + 2² + 3²² जो यहाँ पे इसका कॉफिशियंट का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 1-4+√1 5 9 14, 11/√14 आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं प्लेन पे। ये बात समझ में आ गया ना आदिति, यू गॉट आदिति, एनी डाउट? नो सर। ओके, से आपका एक प्लेन है, आपका ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, एक प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर है टू प्लेन्स का, तो आप जिसका निकालना वो कैसे नॉर्मल निकलेगा, दोनों का नॉर्मल का क्रॉस, अभी जो किए थे पहला क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में जो किए थे वही सेम, पासेस थ्रू भी पॉइंट दिया हुआ है, पासेस थ्रू 1, -2, 1 द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 2 इज, ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है आपका √2, डी है आपका 2√2। ठीक है, पढ़ ही लीजिए क्वेश्चन, अभी जो आप सॉल्व किए हैं जस्ट जी एडवांस 2017 का, इसमें भी सेम ही चीज था,
इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना पॉइंट पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, ये दोनों सेम चीज यहाँ पे है, ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स पासिस थ्रू पॉइंट। तो आपको पहले प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो प्लेन का इक्वेशन अभी जैसे दो पिछले बार में निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, वैसे निकाल लीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। देखिए वो 2017 में इसी का रिपीटी समझिए कि रिपीटेशन, ये जेई एडवांस 2017 में था और जेई एडवांस 2016 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, और 17 में। अदिति आर यू डूइंग, आदिति आर यू डूइंग, चलो यस सर।
लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था आपने, सेम अप्रोच है, एग्जैक्टली सेम, बस आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा तो वहां से आप डिस्टेंस निकाल देंगे पॉइंट से। अदिति, यू गॉट द आंसर? बेसिकली इस N1 नॉर्मल वन क्या है, प्लेन के इक्वेशन से दिख रहा होगा आपको, 2 - 2, 1। N2 क्या है बेसिकली, आई कैप जेकब नहीं लगा, बस N2 है 1 - 1, 2। तो जो नॉर्मल का इक्वे जो होगा, जो प्लेन का इक्वेशन हमें चाहिए वो बेसिकली दोनों का क्रॉस, एन इज वेक्टर जो होगा बेसिकली N1 क्रॉस N2। कभी भी परपेंडिकुलर टू का बोला जाएगा तो आप दोनों का क्रॉस निकाल के आप नॉर्मल का निकाल लेंगे जो भी प्लेन का चाहिए, 2 - 2, 1, 1 - 1, 2। नॉर्मल वेक्टर कितना है आदिति? सर मैंने पॉइंट गलत ले लिया था। अच्छा, गलत ले लिया था। अब पॉइंट कौन सा पॉइंट ले लिया था? अच्छा, इसमें ए वाला पॉइंट। सर जो सेकंड मिडिल का 2 है मुझे 3 लगा वो। ओके ओके, समझ गया ना कैसे करना है बस। हाँ सर। ओके, इसका आंसर आएगा आपका 2√2। जीरो आपका आ जाएगा, नॉर्मल जो भक्त आ जाएगा -3 i cap - -3 j cap। आप प्लेन का इक्वेशन लिख क्या लिख देंगे, ए पॉइंट आपको पता है, i cap - 2 j cap + k cap। a.n कीजिए, a.n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -3 और +6, दैट इज 3। सो r.n इज इक्वल टू a.n, दैट इज 3। आर आप कर लीजिए, r.n - 3 i cap - 3 j cap = 3। सो r.-i cap - j cap = 1 कर दीजिए, और यहाँ से आ जाएगा -x - y = 1, x+y = -1, x+y+1 = 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आपको किस पॉइंट से निकालना है, 1, 2, 2 से, तो जेड तो 0 है यहीं पे, तो 1 + 1 + 1 और अपॉन √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट एक मॉड 3 अपॉन आपका आ जाएगा √2,
3√2 बाय 3√2 विच एक 2 हियर इज 2 वाई कोऑर्डिनेट इज 2 ना सो 4 अपॉन 2 सो गेट 2√2 डी इसका सही आंसर।